जी महाराज के 135वें जन्मोत्सव पर जरूरतमंद एवं असहाय लोगों को रजाई वितरित की गई। वैद्य जी ने बताया कि प्रतिवर्ष गरीब लोगों में आयुर्वेदिक दवाइयां एवं सर्दी के वस्त्र वितरित किए जाते हैं। स्थानीय आर्य कन्या विद्यालय में श्री श्री 1008 स्वामी मोहन गिरी महाराज के 135वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर वैद्य स्वामी दयानंद गिरी आयुर्वेदाचार्य के सानिध्य में रजाई वितरण समारोह का कार्यक्रम किया गया। समारोह का शुभारंभ धर्माचार्य सुरेंद्र पंत द्वारा हवन यज्ञ में अतिथि गणों द्वारा आहुतियां डालकर करवाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि केनरा बैंक के उदार मना मैनेजर संदीप चौधरी ने शिरकत की। मुख्य वक्ता आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री उमेश शर्मा व विशिष्ट अतिथि के रूप में द हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड के महाप्रबंधक नरेश तंवर ने शिरकत की। कार्यक्रम में समाज सेवी परमानंद सैनी और विक्रम सिंह मोर गोहाना से उपस्थित होकर इन्होंने अपना विशेष योगदान दिया। कार्यक्रम में ज्ञानेंद्र सिंह तिब्बतिया ने मधुर भजनों की प्रस्तुति भी दी। वहीं इस कार्यक्रम में हर वर्ष की भांति जरूरतमंद एवं गरीब लोगों को करीबन 150 रजाइयां वितरित भी की गई। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण समारोह भी हुआ। गुरु जी के 135वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गरीबों को रजाई वितरण में बहुत से गरीब ऐसे ऐसे हैं जिनके पास बोरी भी नहीं है, घर घर देख कर चुनते हैं। कितनी रजाइयाँ बताओ? 150 रजाई। दयानंद गिरी जी महाराज जी ने अपने गुरु मोहन गिरी जी महाराज जी की 135वीं पुण्य जन्मदिन पर जन्मोत्सव पर जरूरतमंदों को रजाई वितरण का समारोह किया है। इसमें लगभग 150-250 रजाइयाँ में जरूरतमंद लोगों को दी जाएगी। वैद्य दयानंद गिरी जी इसमें विशेष रूप से ये रुचि लेते हैं कि वास्तव में जो जरूरतमंद है घर घर जा कर के, इस उम्र में ये घर घर जा कर के ये पता करते हैं कि इनको जरूरत है, यानी कि जिनके पास बोरी ओढ़ने के लिए भी नहीं है वास्तव में, वैसे बंद यहाँ 150-200 आदमी आए हुए हैं, उनको आज रजाइयाँ दी जाएंगी। मैं तो ये कहता हूँ कि वैद्य दयानंद गिरी जी अपने समय समय पर इस तरह के जरूरतमंदों को जरूरत पूर्ति के लिए और खासकर आयुर्वेद द्वारा बीमार लोगों को निःशुल्क चिकित्सा देकर इस इलाके की जो सेवा कर रहे हैं, ये वास्तव में एक सराहनीय विषय है। स्थानीय